गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 5, एजुकेशन. इट इज़ रिलेटेड टू आवर एजुकेशन बिकॉज इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी सिंगल पर्सन टू अचीव एनी गोल. यू शुड बी एजुकेटेड. यू कम टू नो हाउ टू बी हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू सर्वाइव इन द सोसाइटी. क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होती है, किस तरह आप उसको डील कर सकते हैं. अगर आप एजुकेटेड हो तो उस चीज़ को डील करने में काफ़ी आसानी होती है आपको. तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. इन दिस चैप्टर वी शैल रिवाइव द मेन स्टेजेस एंड द स्कीम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन स्टेजेस एंड द स्कीम्स विच आर नेसेसरी फॉर द एजुकेशनल सिस्टम टू रन इन इंडिया. वी शैल टेक इन टू द कंसिडरेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज हायर एजुकेशन एंड बिसाइड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स in some representative areas. This will give us an idea of the educational system throughout the country. So what they are saying, it is quite necessary to consider the things, primary education, secondary education and the higher education. Besides that, research institutes are the representative of the areas. Okay, so it is quite necessary in sab cheezon ko dhyan rakha jaye. Bachcho ka प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी जो है उसके बाद जो हायर जो एजुकेशन होता है उसके बारे में जानना. दिस विल गिव अस एन आइडिया ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. तो इससे हम अगर हमें क्या है, एजुकेशनल सिस्टम कैसा है अपने देश में, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी. द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951 रिवील द एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द intractability of the educational issues in the country. In the first census, the illiteracy level was 17%. It was as shown below. In the first census, जो first census मतलब जनगणना census, that is जनगणना, वहाँ पे लोग आते हैं घर घर घूम के, लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, कितने लोग हैं घर में, how many are educated, how many are small child, ग्रोन अप या मिडिल एज जो भी है, उसके सारे लोग ये लेते हिसाब लेते लिखते हैं उसके बारे में, कितने लोग हैं उस घर परिवार में, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने वर्किंग पीपल हो वर्द है. तो ये सेंसस निकाला जाता है हर 10 साल में. तो वेन इट वॉज टेकन इन 1951, तो इट वॉज सेड दैट 70% पीपल वेर एजुकेटेड. 17% सिर्फ लोग एजुकेटेड थे. Later on it increased. They could see the chart over here. Later on it is increased. In 71 it was 34, in 81 it was 43, 91 it was 52, and 2001 it was 64. So every 10 years you might be seeing here there is an increase of percentage of literary people. Improving this percentage was a serious challenge for the government to India. Several remedial schemes were put in place to deal with it. तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना एक चैलेंज था कंट्री के सामने कि किस तरह लोगों को साक्षर किया जाए, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको पढ़ने की तरह उनको किसे प्रेरित करे पढ़ने के लिए. तो एक चैलेंज था जिसको गवर्नमेंट को फेस करना था. Now see the primary education. What is primary education? Primary education refers to the schooling given to the children in the 6 to 14 years age group. In 1988, the central government started a scheme for the spread of the primary education and to improve educational standards. It is known as Operation Blackboard. Now primary education is the education from the age 6 to 14. ओके. इन 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड अ स्कीम. तो 1988 में एक स्कीम पास किया गया था फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, ताकि लोगों तक प्राइमरी एजुकेशन स्प्रेड हो, जानकारी मिले. एंड दैट ऑपरेशन वॉज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. द गवर्नमेंट मेड फंड्स अवेलेबल टू हेल्प इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स एंड फुलफिल मिनिमम एजुकेशनल नीड्स सच एज एटलीस्ट 2 प्रॉपर क्लासरूम, टॉयलेट्स, वन ऑफ द 2 टीचर्स टू be female, a blackboard, maps, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports equipment, etc. This scheme helped the primary education system to gain some momentum.
तो व्हाट दिस गवर्नमेंट डिड, उन्होंने एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया एंड दे गैदर्ड द फंड्स अवेलेबल टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल टू हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड. यानी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, मतलब हर जगह पे स्कूल होनी चाहिए उसके लेवल का. पहले पहले के ज़माने में स्कूल्स की इतनी महत्व नहीं थी, एक कमरे में पढ़ाया जाता था या पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाता. तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक किया कि फंड्स ये करे, मतलब टू कलेक्ट द मनी, फंड्स एक अवेलेबल करे ताकि वो स्कूल को बेहतर कर सके. उसमें रिक्वायरमेंट एक फिक्स ये रखे थे उन्होंने कि इतनी सब ये सब चीज़ें होनी चाहिए टू फुलफिल सी द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल एंड टू फुलफिल मिनिमम एजुकेशनल नीड्स फॉर सच एट लीस्ट टू प्रॉपर क्लासरूम. मतलब अगर स्कूल चलाना हो तो दो प्रॉपर क्लासरूम होनी बहुत ज़रूरत थी. उसमें टॉयलेट्स चाहिए थे, वहाँ पे स्कूल में टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए थी. वन ऑफ द टू टीचर्स टू बी फीमेल टीचर्स भी होनी चाहिए थे. एक ब्लैक बोर्ड, मैप्स होने चाहिए थे, लेबोरेटरी एपरेटस होनी चाहिए थे, स्मॉल लाइब्रेरी, अ प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एक स्कूल में होनी चाहिए. इसके लिए फंड्स इकट्ठा किए जा रहे थे ताकि एक छोटा जो प्राइमरी एजुकेशन होते, प्राइमरी एजुकेशन के जो रेंज में होते बच्चे जो 6 साल से लेकर 14 साल तक, इट इज़ मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द किड्स शुड गेट एजुकेटेड एट दिस एज. तो ये बहुत ही कंपल्सन गवर्नमेंट ने किया है कि 14 साल तक बच्चे को पढ़ाना ही चाहिए, उनको किसी और काम में नहीं डालना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना. तो प्राइमरी एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया था और उन्होंने काफ़ी सारे स्कीम्स अलॉट किए थे ताकि जो स्कूल छोटे मोटे जो स्कूल से वो अच्छी तरह से रन कर पाए, उसकी सारी सुविधा जो ऐसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा गया था. तो इट वॉज गिवन एक प्रॉपर क्लासरूम होनी चाहिए, टॉयलेट्स शुड बी देयर, टीचर शुड बी देयर, इवन द फीमेल टीचर शुड बी देयर, ब्लैक बोर्ड शुड बी देयर ओवर देयर, मैप्स, लेबोरेटरी एपरेटस, एवरीथिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम. दिस स्कीम हेल्प द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोमेंटम. इसके वजह से क्या हुआ, एक स्पीड हाई उसमें, क्योंकि स्कूल में ये सब चीज़ें आने लगे तो लोगों को भी जानकारी मिली, उनको भी थोड़ा बहुत पता चला कि एजुकेशन का महत्व क्या है, तो इससे वो क्या है उसकी ग्रोथ होने लगी. सी ओवर हियर, डू यू नो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट इन 1960 द गवर्नमेंट टुक द डिसीजंस ऑफ टू इम्प्लीमेंट ए कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड 1st to 7th. प्रिंसिपल सैयद रऊफ ऑफ एसटी कॉलेज मुंबई वॉज assigned the task of preparing the draft of this curriculum. मतलब सैयद रऊफ ऑफ एसटी कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे उनको एक टास्क दिया गया था उसको ड्राफ्टिंग करे स्टैंडर्ड 1st to 7th तक जो भी चीज़ें उनको नेसेसरी रहेगा उस चीज़ का उनको देना था. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने डिसाइड किया था, उनके पर जिम्मेदारी सौंपी थी. In 1994, this scheme was expanded and provisions was made for one additional classroom and for appointing one more teacher in schools with an enrollment of more than 100 students. Now, first it was said one or two teachers should be there, there should be two classrooms. Then it was said that there should be additional classroom. Yeah, ek aur do classroom aur hone chahiye, ek aur do teachers aur extra hone chahiye. तो ताकि 100 बच्चों को स्कूल चलाया जा सकता है, जिसमें 100 बच्चे हो, ऐसे स्कूल चलाने के लिए कम से कम 3 या 4 टीचर्स होने चाहिए और उसके हिसाब से सुविधा और हर चीज़ें होनी चाहिए. विथ प्रायोरिटी गिवन टू द गर्ल्स स्कूल्स विथ द मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स इन रूरल एरियाज. द प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द गर्ल्स, मतलब ज़्यादा महत्व लड़कियों को दिया जा रहा था, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था. तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, मेजोरिटी को ये किया गया था. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब के जो लोग हैं, मतलब जो नीचे जाती है माइनॉरिटी लोगों को, उनको भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको भी स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करने का ये मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए. दे शुड गेट एजुकेटेड. Okay, here I am going to stop. I will be explaining these things in detail in the next lecture. Bye, see you.